जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है बेस्ट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। सीआईएसएफ फायर कांस्टेबल के एग्जाम डेट को लेकर आखिर आप लोगों के लिए एक अच्छी अपडेट निकल के आई। काफी इंतजार किया था, जब से आप लोगों का फिजिकल हुआ था तब से लगातार यही इंतजार हो रहा था कि रिटर्न एग्जामिनेशन की डेट अभी तक कंफर्म नहीं हो पाई, क्योंकि उससे पहले के बहुत सारे ऐसे रिक्रूटमेंट थे जो पेंडिंग थे, जिसकी वजह से सीआईएसएफ फायरमैन की भी डेट है वो सीआईएसएफ की तरफ से नहीं बताई गई। लेकिन अब 2023 में आप लोगों के ये सारे के सारे रिक्रूटमेंट है, उनका प्रोसेस है, उनको शुरू कर दिया गया। और आप सभी को पता है कि सीआईएसएफ हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल की भी फिजिकल की डेट आ चुकी है। तो यहां पर मैंने बात करने वाले सीआईएसएफ फायरमैन कॉन्स्टेबल का फिजिकल सॉरी रिटर्न एग्जामिनेशन कब तक होगा और कब तक आप लोगों के एडमिट कार्ड जारी होने वाले हैं और कैसे आप लोगों को तैयारी करनी है, क्या आप लोगों का सिलेक्शन का यहाँ पर प्रोसेस रहने वाला है, सिलेबस आप लोगों का क्या रहने वाला है, तो बिल्कुल इस वीडियो में उसी के बारे में पूरी की पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में डिटेल से मिलने वाली। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें, तभी जाके आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आने वाली। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दे। चैनल पर पहली बार आए, आगे आने वाले हर लेटेस्ट रिक्रूटमेंट की जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, आप सभी को पता है 10 जनवरी से एसएससी जीडी का एग्जामिनेशन शुरू होने जा रहा है और लगभग सीआईएसएफ फायरमैन का जिन अभ्यर्थियों ने फिजिकल पास कर रखा है, काफी अभ्यर्थी ऐसे हैं जो एसएससी जीडी का भी एग्जाम देने वाले। लगभग मैं बात करूं तो लगभग 90% ही बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे जो सीआईएसएफ फायरमैन का भी दिया है, तो यहाँ पर एसएससी जीडी का भी वो देंगे। और आप सभी को बताएं, अच्छी बात यह है कि एसएससी जीडी का भी सिलेबस और यहाँ पर सीएसएफ फायरमैन के सिलेबस की बात करें तो लगभग आप लोगों का सिलेबस सेम ही है, कुछ टॉपिक को छोड़कर। तो यहाँ पर एसएससी जीडी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये तैयारी आप लोगों की बेहतरीन काम आने वाली है सीआईएसएफ फायर कॉन्स्टेबल में। देखो आप लोगों का सिलेबस सेम रहेगा, वही आप लोगों के हिंदी इंग्लिश के, हिंदी और इंग्लिश के आप लोगों के 25 क्वेश्चन रहेंगे, जिनमें से आप हिंदी या इंग्लिश जो भी आपका चॉइस है वो आप कर सकते हैं। उसके साथ ही मैथ की बात करें तो मैथ के भी आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे, वही बात करें तो जीके के भी आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे और रीजनिंग के भी आपके 25 क्वेश्चन रहने वाले। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहां पर आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। दूसरी चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं, यहां पर आप लोगों का एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, तो इसको लेकर अभी तक सीआईएसएफ की तरफ से कुछ भी नहीं बताया गया। नोटिफिकेशन में भी यही लिखा था कि आपका एग्जाम है वो ओमआर बेस्ड भी हो सकता है और सीबीटी भी हो सकता है, कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है और ओमआर बेस्ड भी हो सकता है, तो ये कंफर्म नहीं है कि आपका एग्जाम कैसे होगा, लेकिन जल्दी सीआईएसएफ उसका नोटिस भी आप लोगों के लिए जारी कर देगी। अब दूसरी चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं कब से आप लोगों के फिजिकल शुरू होने वाले हैं और कैसे आप लोगों को तैयारी करनी है। देखो सिलेक्शन सीआईएसएफ फायरमैन कॉन्स्टेबल का जो सिलेक्शन होता है फाइनल सिलेक्शन, वो रिटर्न के बेसिस पे होता है, ऑल इंडिया वैकेंसी रहती है, लेकिन इसकी जो आपकी वैकेंसी जो आपकी कट ऑफ रहती है वो स्टेट वाइज रहती है, स्टेट वाइज कट ऑफ जाती है आप लोगों की। बहुत सारे बड़े राज्य ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ थोड़ी हाई रहती है और सीआईएसएफ फायर कॉन्स्टेबल का जॉब है वो काफी अच्छा माना जाता है, उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ भी काफी अच्छी रहती है। तो आप लोगों को सबसे ज्यादा फोकस करना वो करना रिटर्न एग्जामिनेशन पर। और अगर यहां पर बात करें तो 30 जनवरी से तो सीआईएसएफ हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल है उनका फिजिकल शुरू होने जा रहा है 2022 वाले रिक्रूटमेंट का। और लगभग बात करें तो कम से कम एक मंथ लगभग आप लोगों का फिजिकल चलने वाला है सीआईएसएफ हेड कॉन्स्टेबल वालों का। हेड कॉन्स्टेबल वालों का जनवरी लास्ट में शुरू होगा और फरवरी लास्ट तक चलेगा, एक महीने आप लोगों का चलने वाला। और आप सभी को पता है 14 फरवरी तक एसएससी जीडी का भी एग्जाम चलेगा ऑनलाइन, तो इस बीच में तो आप लोगों का एग्जाम होना नहीं है। बाकी मैं आप लोगों को बता दूं आपका जो एग्जाम होने के चांसेस है वो होने के चांसेस है मार्च पास्ट में। जी हां दोस्तों, मार्च पास्ट में आप लोगों का एग्जाम है वो 100% करवाया जाएगा सीआईएसएफ कॉन्स्टेबल फायर वालों का। तो अभी आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो जैसे ही आप लोगों की तैयारी, जैसे ही आप लोगों का एग्जाम हो जाए उसके बाद में आपको सीआईएसएफ फायर कॉन्स्टेबल की तैयारी पे पूरा का पूरा फोकस कर देना है, क्योंकि आपका जो रिटर्न है वो कंफर्म है मार्च के फर्स्ट वीक में ही आप लोगों का है एग्जाम जो सीआईएसएफ वो कंडक्ट करवाने वाली है। इसके साथ ही मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर आप सीआईएसएफ फायरमैन की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए घर बैठे हमारा संपूर्ण कोर्स आ चुका है, जिसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। आठ सब्जेक्ट की क्लासें आप लोगों को मिल रही है, उसके साथ ही आप लोगों को पीडीएफ नोट्स दिया जा रहा है, टेस्ट सीरीज आप लोगों को दी जा रही है, और ये सब कुछ सीआईएसएफ कॉन्स्टेबल फायर के जो आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये सब कुछ आप लोगों को पढ़ाया गया है। उसके साथ ही लक्ष्य बैच में आप ज्वाइन करते हैं तो मात्र 299 रुपए में एग्जाम तक आप लोग इस बैच से तैयारी कर पाएंगे। और अच्छी बात है कि जो टॉपिक आप लोगों की वीक है आप उसे एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं,
पांच बार या दस बार भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये सारा का सारा सिलेबस आप लोगों के एप्लीकेशन पे ही रहने वाला है। दूसरी बात, 2023 में बहुत सारे ऐसे रिक्रूटमेंट है जिनमें सेम सिलेबस है। अगर आप सीआईएसएफ फायरमैन कॉन्स्टेबल की तैयारी करते हैं लक्ष्य बेस से, तो बाकी के जो आप लोगों के एग्जामिनेशन है उनकी भी तैयारी आप लोगों की इसी से हो जाएगी। तो अभी जाके आप बेस्ट एग्जाम का एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और अभी से अपनी तैयारी को आप बेहतरीन कर सकते हैं, और इस बार जो आप लोगों का सपना है एसएससी जीडी और सीएसएफ फायरमैन का, वो आप पूरा कर सकते हैं इस लक्ष्य बेस से। तो दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दे। चैनल पर पहली बार आए, सीआईएसएफ कॉन्स्टेबल फायर से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों स्टूडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।